Once again, welcome to all of you in my channel CodeTeach. So friends, मैंने मेरे last वाले video में आपको present tense के बारे में बताया था, present tense के parts एवं उनका प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा past tense के बारे में, past tense का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है एवं उनके parts जो होते हैं four parts, वो four parts का मैं single single आपको बताऊंगा कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले मैंने first वाले videos में आपको सारे बताए थे टोटली सभी टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें ओनली मैं पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं और पास्ट टेंस ही समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग मैं बताऊंगा कहां पर और कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम वहां पर करेंगे, इसका यूज जहां पर हमने कोई सा कार्य कर लिया, जहां पर लास्ट में आपको अधिकतर याद सुनने को मिलेगा। वह मार्केट गया, उसने यह काम किया, उसने खाना बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, पहले फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, कार्य किया उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे वहां पर वर्ब का। तो आप यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के साथ में एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि वह मार्केट गया तो क्या कहेंगे हम? ही वेंट टू द मार्केट। अब यहां पर मैंने लगाया है when, जो when होता है वह go का second form होता है, तो हम यहां पर go का second form यूज कर रहे हैं। second thing, उसने खाना बना लिया, क्या बनाया? she cooked food। तो ये आपको simple present, simple past का यूज बताया मैंने, कि सिंपल पास्ट जो सिंपल एक नॉर्मल चीजें बोलते हैं, हमने ये किया, वो किया, यहाँ गया, वहां गया, उन चीजों को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार से कोई सा भी टाइम फिक्स नहीं होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस का यूज कहां पर और कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पास्ट कंटिन्यूस को देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहां पर और कैसे यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम पास्ट में जो कार्य हम कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था कि जो कार्य मैं कर रहा हूं अभी या जो कार्य चल रहा है उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस का यूज वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां पर जो कार्य पास्ट में हो रहा था जो कि अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, जैसे कि कल मैं मार्केट जा रहा था, अभी इस चीज को बता रहा हूं मैं, कल हो रहा था मेरे साथ। मॉर्निंग की बात बताऊंगा मैं, मॉर्निंग में किसी ने आपको पूछा मॉर्निंग में आप क्या कर रहे थे, सो आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रहा था, आई वॉज बिजी। सो यहाँ पर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, तो कंटिन्यूस में आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूं, जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। अब आपको इसमें एक चीज और रहेगी, कुछ कंफ्यूजन रहेगा, वॉज का यूज कहां करेंगे, वर का। तो मैं आपको बताता हूं, आई यू कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जहां पर आप करेंगे, ही शी इट, यहां पर वी यू दे। तो यहां पर हम आई के साथ में वॉज का यूज करेंगे, यू के साथ में वर का यूज करेंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ही शी इट के साथ में हम वॉज का यूज करेंगे, वी यू दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। जैसे कि आपने उसमें देखा था प्रेजेंट में ही शी इट का यूज करते थे, हम यहाँ पर ओनली वॉज और वर का यूज करेंगे। जैसे आई के साथ अभी मैंने क्या यूज किया है, वॉज का, देन यू, You were playing cricket. आपको अगर किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर, तो आप बोल सकते हो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, या फिर किसी ने पूछा वह क्या कर रहा था उस टाइम पर, या मैं कहा था उस टाइम पर, या क्या कर रहा था किसी ने आपसे पूछा, तो आप उसे बोल सकते थे You were playing cricket. आप क्रिकेट खेल रहे थे। So friends, आपको इसका यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला आपको बताने वाला हूं मैं पास्ट परफेक्ट का। यस फ्रेंड, सो पास्ट परफेक्ट का यूज हम कहां पर करेंगे,
ये आपको बताऊंगा मैं। पास्ट से आपको सिंपली बताया था मैंने, पास्ट में भूतकाल में, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कल आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने ये बताया था कि जो कार्य हो चुका है मैंने किया है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में जो कार्य कंप्लीट हो चुका था बहुत पहले भूतपूर्व में, उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। और इसमें एक और खास चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर जब हम उसमें है और हैज का यूज कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पर हम ओनली हैड का यूज करेंगे सभी के साथ में। जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ में हम हैड का यूज करेंगे। जैसे आई हैड गोन टू द मार्केट, मैं मार्केट जा चुका था। अब यहां पर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, हेड का यूज तो कर ही रहे हैं लेकिन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी हैड टेकन टी, वह चाय ले चुकी थी। वहां पर हम चुका है इस टाइप से बोल रहे थे, यहाँ पर चुका था, चुकी थी। सो फ्रेंड्स, जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली बहुत ही सिंपल है, पास्ट का यूज भी करना है, यहाँ पर ओनली हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर रहे थे, तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट में हम हेड का यूज करेंगे, वहां पर हैव हैज का यूज कर रहे थे। सो इसी के साथ अब सेकेंड लास्ट वाला बताना चाहूंगा मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे ये जान लो आप पहले, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किसी कार्य को पहले भूतकाल में प्रारंभ कर चुके थे। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, वैसे इसमें भी पास्ट में ही स्टार्ट होता है लेकिन वह कार्य करते करते हमने रोक दिया है, उस कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर हम उस चीज को बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने सन 2018 से पढ़ाना स्टार्ट किया था लेकिन अब नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने उस कार्य को रोक दिया है, अभी उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला आप जानिए, इसे नोट भी कर लेना, बार बार आपको मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगेन एंड अगेन प्लीज नोट इट। सब्जेक्ट यहाँ पर हेड का यूज करेंगे, जैसे अभी परफेक्ट में हमने हेड का यूज किया था पास्ट परफेक्ट में, वैसे ही यहाँ पर भी हेड। देन बीन, सेम फॉर्मूला वैसा ही आ जाएगा जो हमने लास्ट वाले में किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ पर ओनली हैड आ जाएगा। बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और सब ऑब्जेक्ट, एंड सिंस फोर मैंने आपको बताया था कौन से टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम के लिए हम एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, एंड जहां पर हमें टाइम फिक्स पता नहीं है कितने टाइम से है क्या है उस चीज के लिए हम फोर का यूज करेंगे वहां पर। तो एक सेंटेंस आपको बताता हूं मैं, आप खुद भी सोचिएगा, मैं भी आपको बताता हूं, कि कोई कार्य हमने भूतकाल में प्रारंभ किया हो और वो अब रोक दिया हो। जैसे कि दे हैड, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या आ गया है, दे हैड, दे हैड टीचिंग, सॉरी यहां पर हमने बीन नहीं लगाया है, तो यहां पर हम हेड के बाद में बीन का यूज करेंगे। देयर हैड बीन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिंस 2011, यहाँ पर हमने सिंस का यूज इसलिए किया है, यहाँ पर फिक्स हमारे पास अब एक ईयर है, जहां पर ईयर हमारे पास फिक्स है उस चीज के लिए। अब यहाँ पर हमने जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होता है या कुछ भी होता है उस चीज के लिए वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर हमने पिछले 2 घंटे पहले से खेलना स्टार्ट किया था, जैसे हम खेल रहे थे तो पिछले 2 घंटे से खेल रहे थे, हमें यहाँ पर फिक्स 2 आवर्स का पता नहीं है कौन से टाइम से, तो यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे।
सो फ्रेंड्स आपको सभी समझ में आएंगे पूरे सारे टेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी जितने भी पार्ट्स। सो प्लीज अच्छे से केयरफुली वॉच करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी वीडियोस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, या कुछ नया सीखना हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो कि हमें ये सीखना है, तो मैं आपको उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें बता दूंगा। सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।